दुल्हनिया, एक अर्जेंट काम आ गया यार, अब दो दिन तक मिलने नहीं आ पाऊंगा, लेकिन दो दिन बाद चीते की तरह दौड़ कर आऊंगा तेरे पास, तेरी कसम। चल चल, अभी बहुत काम है, बाद में बात करता हूं, ठीक है? ए! मेरी गन को हाथ क्यों लगाया तूने? अब ये खिलौना है जो उससे खेल रहा है, और सुनो तुम लोग, इस गन को हाथ मत लगाना, तुम लोग समझे ना? नहीं है चकाचक, गलती से चल गई ना तो एक बार में ऊपर चला जाएगा, समझे ना? सॉरी बॉस। चल ठीक है, ले जाके गाड़ी में से चार्जर लेके आ जा। चाय है या गरम पानी, साला दूध भी नहीं डाला इसमें। से कैसे भाग गई? बच के जाना नहीं चाहिए, चल। तुम लोग किसी काम के नहीं हो, एक औरत तुम्हारी नाक के नीचे से भाग गई, तुम लोग अगर वो निकल गई ना तो तुम सबकी जान ले लूंगा मैं। तू जा, जाके मेन गेट उधर, तू ढूंढ उधर, जा तू उधर देख, तू उधर देख। माँ जी को भी ना, बॉस मैंने मेन गेट बंद कर दिया है, अब वो बाहर नहीं जा सकती। बहुत चालाक है वो माँ जी, पता नहीं किस खोपचे में छुपी, बाहर तो नहीं जाने दूंगा मैं उसे। बस उस तरफ भी देख लिया, वो वहां भी नहीं है, चुप कर।
शर्लिन मैडम का फोन आया था लेकिन मिस कॉल में चला गया। ऐसा तो नहीं उस माजी ने शर्लिन मैडम को फोन करके बता दिया देख मैं भाग गई। यार ये शर्लिन मैडम फोन क्यों नहीं उठा रही? किसका फोन है? करण। फोन उठाने की सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हारी मां के साथ इसकी मां को भी उठा दूंगी। क्या करण की मां? मतलब सही सुना तुम्हें, तुम्हारी मां के साथ तुम्हारे आशिक की मां की जान भी खतरे में। माजी कहकर इज्जत दे रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सर पे नाच होगी। औरत ने नचा कर रख दिया, हमको चप्पल दे रही थी। तुम्हें पुलिस छोड़ेगी नहीं, तुम्हें जेल में डाल देगी, फिर जेल में सड़ते रहना, जेल से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अरे तुम्हारी मां भी तो बटर 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 भेजा फ्राई कर दिया। देख माजी मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, अब की बार मुंह खुला ना तो इस सारी की सारी मैगजीन मुंह में डाल दूंगा, साइलेंट मौत मर जाओगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझी? क्या है हाथ में? हाथ खोल। अरे दिखा, अरे देखो आंख फाड़ के देखो, ये इससे रस्सी काट के फिर से भागने का प्लानिंग कर रही थी हैं? गधे। सुन इस पर नजर रखो, अब की बार ये भगी ना तो इस कांच से तुम सबको फाड़ दूंगा, समझे? और सुन ये माताजी बहुत तेज भागती, इस बार इसको इतना टाइट बांधना हाथ टूट जाए पर रस्सी नहीं टूटे, समझे तुम लोग? अब यहां से बच के निकलना बहुत मुश्किल है। माता जी आप भागना मत वरना हमारे पास गन है, एक बार में लगातार एक साथ गोली चलती है, धन धनाधन धन, इसलिए आप अगर आप भागी तो गोली चलेगी और आपकी लाश जाएगी, समझे? ए ठीक से बांध ठीक से। तुम राखी आंटी कैसे इंसान हो तुम, तुमने ऐसा सोच भी कैसे? अरे सोचने के पैसे नहीं लगते पिता अरोरा, फ्री में सोच लेती हूँ, जैसे तुम फ्री में राखी आंटी और इस लूथरा परिवार को प्यार बांटती रहती हो, इतना प्यार कि चोट उन्हें लगती है और दर्द तुम्हें होता है। तुमने राखी आंटी को कहाँ रखा? कहाँ राखी आंटी? माँ के साथ? पिता, 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 तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो? इस पागल खाने में आते आते लगता है तुम भी पागल हो गई हो। अगर राखी आंटी यहाँ पर नहीं होगी तो मेरी शादी कैसे होगी? एंड प्लीज मैं थोड़ी सी ओल्ड स्कूल, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि लोग ये कहें कि कितनी अपशगुनी बहू है, किसके कदम पड़ते ही सास लापता हो गई। राखी आंटी अपने कमरे में, अब ये मत पूछना कि अगर राखी आंटी अपने कमरे में है तो मैं उन्हें कैसे मार सकती हूँ? बॉम्ब से? हाँ मैं आप दोनों को एक बम दूंगा, इसका रिमोट आप लोग अपने पास रखना, फिर जिस पर भी चाहे आप उस बम को लगा सकते हैं और जब फोड़ना हो इस रिमोट पर लगे बटन को क्लिक करते ही उसको ब्लास्ट किया जा सकता है। अरे बम क्या खास बात है, बम को फोड़ने के लिए उस इंसान के पीछे पीछे घूमने की कोई जरूरत नहीं है, आप जहां कहीं भी हो वहीं से इस रिमोट के थ्रू बम को ब्लास्ट कर सकते हैं। फैंटास्टिक, इससे वो प्रीता अरोरा हमारे कंट्रोल में रहेगी। बेबी एक बात बताओ, प्रीता जी की मॉम सरला आंटी ऑलरेडी हमारे कब्जे में है, अब प्रीता जी को कंट्रोल में रखने के लिए सरला आंटी के अलावा और ऐसा कौन है? राखी लूथरा। क्या हुआ अभी भी यही सोच रही हो कि राखी आंटी तो अपने कमरे में?
तो शर्लिन उन्हें कैसे मार सकती है? प्रीता, इतना मत सोचो, मैं तुम्हें लाइव टेलीकास्ट दिखा दूंगी, डोंट वरी। अपनी बकवास बंद करो, कब से बोलती जा रही हो? साफ साफ क्यों नहीं बताती कि क्या करने वाली हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या प्लान किया? बहुत हिम्मत वाली हो तुम प्रीता अरोरा। हाँ, ये पता होने के बावजूद कि तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में है, इतना गुस्सा, इतनी हिम्मत। कुछ ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की ना तो एक सेकंड नहीं लगेगा मुझे तुम दोनों की माँ को स्वर्ग पहुंचाने में, समझी तुम? क्या यहाँ क्यों खड़ा? चल जा। एक्चुअली मैं प्रीता से बात कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई गैर अनजान आदमी मेरी और प्रीता की बात सुने। चल। गैर अनजान आदमी और मैं? तू शायद भूल रहा है कि प्रीता जी मेरी मंगेतर है, तेरी नहीं। और क्या बोल रहा था तू? प्रीता जी से बात कर रहा था? प्रीता जी से बात कर रहा था? कितना झूठ यार, झूठ बोलने की भी हद होती है। प्रीता जी से मैं बात कर रहा था, तू नहीं। अभी अभी जब तूने मुझे कहा कि तू प्रीता जी से बात कर रहा था, उस वक्त मैं बात कर रहा था, तू नहीं। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? तुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं? आई थिंक प्रीता जी ने तेरा कॉल रिसीव नहीं किया होगा, उन्होंने तेरा फोन नहीं उठाया होगा। क्यों उठाएंगे तेरा फोन? अरे अगर नहीं उठाया तो समझ जाना कि तू प्रीता जी के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तू मैटर ही नहीं करता प्रीता जी को, प्रीता जी के लिए सिर्फ मैं मैटर करता हूं, उनका मंगेतर, प्रीता जी का पृथ्वी। हो गया तेरा, प्रीता जी का पृथ्वी। हाँ चल, मैं कैसे मान लूं कि तू प्रीता से बात कर रहा था, और मुझे मानने की जरूरत भी क्या है? देख, एक एडवाइस देता हूँ तुझे, जितना तू उड़ रहा ना हवा में, उड़ना बंद कर दे। ये जो तेरी गलत फहमी है ना, एक दिन टूट जाएगी और इतनी जोर से जमीन पे गिरेगा कि तेरा सब कुछ टूट फूट जाएगा और उस दिन तू पछताएगा। इसलिए एडवाइस दे रहा हूँ कि ये सब बंद कर दे, समझा? टूट फूट मेरा नहीं, टूट फूट तेरा जाएगा। पछताऊंगा मैं नहीं, पछताएगा तू। और गलतफहमी मुझे नहीं, गलतफहमी है तुझे। यही गलतफहमी कि अगर तू प्रीता जी को चाहता है तो प्रीता जी भी तुझे चाहती है। मैंने ऐसा कब कहा कि मैं प्रीता को चाहता हूं और प्रीता मुझे चाहती है? कहने की जरूरत ही नहीं है, साफ साफ दिख रहा है तेरे चेहरे पर, साफ साफ दिख रहा है कि तू मेरी प्रीता जी को चाहता है। देख, अभी तक तो मैंने ऐसा कहा नहीं, ना क्लेम किया, पर अच्छी बात है कि तुझे मेरे चेहरे पर ये सब कुछ दिख रहा है। वो क्या ना, मैंने सोचा था पहली बार ये सब बातें मैं प्रीता को बोलूंगा कि प्रीता मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्या तुम मुझे चाहती हो? बट नहीं, तू तो अंतर्यामी, इंटेलिजेंट पृथ्वी मल्होत्रा। तो चल मैं तुझे बताता हूँ, यस मैं प्रीता को चाहता हूँ, पर एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रीता जी भी मुझे चाहती है। तू मेरी प्रीता जी को चाहता है? तू मेरी प्रीता जी को चाहता है? तू मेरी प्रीता जी? गलती दोबारा मत करिएगा, समझा? तू सुनना क्या करेगा तू? मेरी प्रीता जी को चाहता है। अभी इस गिल्ली डंडा प्लेयर के साथ गेम खेला तो मेरी बेबी की शादी रुक जाएगी। फिलहाल जाने दे इसे, छोड़ दे। डर गया तू? डरा नहीं, ये तो तेरा प्लान है ताकि तेरी शर्लिन की शादी हो जाए आज, उसमें कोई रुकावट ना है, कोई अड़चन नहीं है, राइट पृथ्वी मल्होत्रा? यही चाहता ना तू? बोल। कितने चोक मार, ये क्या हो रहा है? फाइट, हम दोनों फाइट कर रहे थे। फाइट?
मतलब कम्पीट कर रहे थे, और कॉम्पिटिशन में तो फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए ना। वो क्या है ना, मैं कब से इसे कह रहा हूं बस कर बस कर बस कर, पर समझ ही नहीं रहा, जोक पे जोक मारे जा रहा है, और मैं हंस हंस के पागल हो गया हूं, कितना बड़ा जोकर बस कर गया, कितना जोक मारेगा तू, समझे इसे। अच्छा जो भी हो रहा है ना भूल जाओ, चलो मुहूर्त का टाइम हो रहा है, आओ करण। करण सब बहुत टेंस लग रहे हैं, मंडप को कितने गुस्से में घूर रहे हैं, जाके देखना पड़ेगा। क्या हुआ करण सर, आप इतने टेंस क्यों लग रहे? टेंस लग रहा हूं क्योंकि वो देख मेरी टेंशन बैठी है सामने, ये शादी हो रही है और तेरी वो चौथी फिल्म बजर पट्टी बहन पता नहीं कहाँ गायब है, उसे बोला था टाइम पर आ जाना, नहीं पता नहीं कहाँ गायब है। सर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, और आप प्लीज दी से गुस्सा मत होइए। माना कि दी को देर हो रही है आने में, लेकिन वो जानबूझ के थोड़ा ना लेट आ रही, आई मीन कोई तो वजह होगी, कहीं तो फंसी होंगी वो, इसलिए हो रहा है ना सर। लेकिन ये कौन बताएगा कि कहाँ फंसी, ना उसका फोन मिल रहा है, ना वो कॉल उठा रही है, ना मैसेज का जवाब दे रही है, या हाई एंड ड्रामा चल रहा है, शादी होने वाली है और मैं उसका इंतजार कर करके परेशान हूँ। बोला था मैं पिकअप करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, एक काम करता हूँ मैं ही जाता हूँ उसे लेने, उसे ढूंढ कर लाता हूँ यहाँ पे, वरना ये सब तो हो जाएगा। फिर सर क्या कर रहे हो? क्या हुआ? प्लीज आप कहीं मत जाओ, आप यहीं पर रहो, देखो जब आना होगा वो आ जाएगी। वो तो आ ही जाएगी, लेकिन जब ये सब हो जाएगा तब आएगी, तब मैं उसका क्या करूंगा, उसके साथ डांस करूंगा? हाँ तो देखने लिए शादी होने वाली, मैं जाकर लेकर आता हूँ सर। ठीक है आपको जाना है ना, आप जाओ जाओ, मैं नहीं रुकूंगी आपको, वैसे भी दी नहीं है, दी को आने को पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है, आप जाओगे आपको भी उतना ही टाइम लगेगा, और जब तक आप वापस आओगे तब तक ये शादी हो चुकी होगी। करण भाई ऋषभ भी और शैलन की गठबंधन की रस्म शुरू करने वाले हैं, मतलब शादी की रस्में आगे बढ़ी, दोनों का बंधन बन जाएगा। देख रहा है मुझे? तो कुछ करो ना भाई, करना पड़ेगा मुझे ही, कुछ करना पड़ेगा। ये शर्लिन पृथ्वी को इतने गुस्से में क्यों देख रही है, इन दोनों का क्या कनेक्शन है? राखी आंटी को ब्लास्ट करने वाली थी, तुम अपना दिमाग कहीं बेचकर आई हो? हाँ राखी आंटी को ब्लास्ट करोगी, तुम्हारी होने वाली सासू माँ है वो, अगर उन्हें ब्लास्ट कर दिया ना तो तुम्हारी शादी भी ब्लास्ट हो जाएगी, ये शादी नहीं होगी फिर। वैसे मैं जानता हूं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है प्रीता जी, तुम्हारी प्रॉब्लम प्रीता जी है, तुम प्रीता जी पर इतनी भड़की हुई हो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, और प्रीता जी के साथ छीना झपटी करने की क्या जरूरत थी, उन्हें चोट लग जाती तो। तुम्हें चोट लग जाती तो बेबी तुम्हारे इस जान से चेहरे पर एक दाग लग जाता तो क्या करती रहती हो, मेरा तो फ्यूचर ही खराब हो जाता ना। तुम्हारा फ्यूचर नहीं, मेरा फ्यूचर, मेरे बिना तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम प्रीता के प्यार में पागल हो गए हो, तड़प रहे हो प्रीता के लिए, कि प्रीता को अगर ये हो जाता, प्रीता को अगर वो हो जाता, प्रीता ये प्रीता वो प्रीता प्रीता प्रीता, जब देखो तब प्रीता के बारे में सोचते हो, मेरे बारे में तुम कभी नहीं सोचते। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम्हारे मुंह से प्रीता का नाम निकला तो मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगी। ये तुम क्या बोल रही हो बेबी, शैलेन बेबी पुन्नू बेबी की जिंदगी से निकल जाएगी? तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने तुम्हारी सगाई का चक्कर प्रीता से इसीलिए चलाया था
सो दैट वो ऋषभ से दूर रहे, ऋषभ उसके बारे में ना सोचे, जिससे मैं शादी कर रही हूँ तुम्हारे कहने पर। प्रीता की अभी कोई जरूरत नहीं, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग आज मेरी शादी हो रही है ऋषभ लूथरा से। प्रीता की क्या जरूरत, वी हैव यूज्ड हर इनफ, उससे रिश्ता तोड़ दो, थ्रो हर आउट। मुझे तुम प्रीता के साथ नजर नहीं आने चाहिए। प्रीता को अपनी जिंदगी से निकाल दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दूंगी। मैं तुम्हें प्रीता के साथ शेयर नहीं कर सकती पृथ्वी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं लूथरास की पूरी प्रॉपर्टी, पूरा बिजनेस अकेले टेक ओवर कर लूंगी, तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। मैं इस खिड़की से नहीं कूद सकती, मुझे तो ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर मैं यहां से नहीं कूदी तो माँ और राखी आंटी को कौन बचाएगा? अलमारी तो खाली है, इसका मतलब इसमें से जानबूझ के कपड़े निकाले गए ताकि मैं खिड़की से कूद ना सकूं। हाँ, मैं प्रीता के रूम के बाहर ही हूँ, बॉस ने नजर रखने को कहा है। ये तो वॉइस रिकॉर्डर है, कैसे प्ले? अगर मैं इसमें अपनी आवाज रिकॉर्ड कर लूं तो मैं इस खिड़की से जा सकती हूँ और इन लोगों को लगे कि मैं कमरे में ही हूँ तो ये लोग मेरे पीछे नहीं आएंगे मुझे ढूंढने के लिए, और उस शर्लिन को भी तसल्ली रहेगी कि मैं कमरे में लॉक्ड हूँ और मैं यहाँ से निकल कर माँ और राखी आंटी को बचा सकती हूँ। ये अच्छा आइडिया। यार दिमाग की बैंड बजा दी इसने तो, कान के पर्दे फाड़ दिए मेरे। निकालो मुझे यहाँ से, छोड़ दो, जाने दो, खोलो ना, मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। सुनो, उनके हाल कैसे? बॉस एक सेकंड भी चुप नहीं बैठ रही है, चिल्ला रही है, दरवाजा पीट रही है, मेरे तो कान के पर्दे फाड़ दिए इसने। आप भी सुनो बॉस, दरवाजा खोलो, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। देखती हूँ रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है, प्लीज दरवाजा खोलो, निकालो निकालो मुझे यहाँ से, छोड़ दो, जाने दो, प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आइए बस, मैं एक बार देखना चाहता हूँ। नहीं प्रीता, डर मत, आज तू डर गए तो पता नहीं कितनी जानें चली जाएंगी। एक तू ही है जो दो माओं को बचा सकती है, आज उनकी जिंदगी तेरे हाथ में है, ऊंचाई से मत डर, कूद जा। मेरे पास इन दोनों से लड़ने का टाइम नहीं है,
मैं भागने की कोशिश करती हूँ, ये लोग मुझे फिर से लॉक कर देंगे, उसके बाद मैं इस खिड़की से कूद जाऊंगी, भाग जाऊंगी माँ और राखी आंटी के पास। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो। बॉस, इसको तो मैं देखता हूँ, आप बेफिक्र होकर बाहर जाइए। क्यों रे लड़की, बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रही है तू। सॉरी प्रीता जी, मैं चाहकर भी आपके पास नहीं रह पा रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। हमारे होते हुए तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, समझी? चल पड़ी रहे यहाँ पे। बॉस, ये लड़की हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, आप कहें तो काट दूं। अगर उनके खिलाफ एक शब्द बोला ना तो मैं तुझे काट दूंगा, तुम सबको काट दूंगा, समझा?